ये प्रोग्राम पंजाब शॉप हमबर्ग ने स्पॉन्सर किया है। इनके पास म्यारी और पायदार अशिया दस्तयाब हैं। यह हमारा किचन गार्डन है, तो यहाँ से हम लोग धनिया तोड़ने आए हैं और हरा लहसुन, हरा धनिया। ये हरा लहसुन है, ये तोड़ लेंगे हम लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों और भाइयों, क्या हाल है आप सब के? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ोमान में रखे, आमीन। तो आज की जो हमारी वीडियो है, ये स्पेशल मैं बनाने जा रही हूँ नाइन ब्रदर टीवी के लिए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जी चना दाल के कोफ्ते। तो सबसे पहले जो मैंने चीज़ें ले ली हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारे पास चना दाल है, तकरीबन आधा किलो थी। इसको मैंने 6-7 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। उसके बाद मैंने इसको 6-7 घंटे के बाद मैंने छलनी छलनी में डाल दिया था इसको, ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे तरह से खुशक हो जाए। तो अब ये मैं इसको जो है ना पीस लूँगी, और उसके साथ ये मेरे पास है मूँगफली हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये थोड़ी सी मैंने मूँगफलियाँ ले ली थी। तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों को, पहले मैं ये मूँगफलियाँ, ये हमारे पास है, आप इसको कह दें दबरी कह दें या सिलवट्टा कह दें, जो आप हमारी ज़बान में तो इसको उखली और दस्ता बोलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये मूँगफलियाँ इसमें शामिल कर लेती हूँ। तो इनको अच्छे से जो है ना मैं ये पीस लूँगी, तो उसके साथ बाद में ये चना दाल मैं इसमें शामिल कर लूँगी जी। तो ये चना दाल जो है मैंने ये शामिल कर दिया, इसमें डाल दिया। तो अब जो है ना ये देखिए, इसकी मदद से मैं इस तरीके से जो है ना इसको पीस लूँगी अच्छे से। जी तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये दाल को जो है मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। ये सिलवट्टा कह लें आप इसको, बड़े साइज़ का या जो इस तरह भी आपकी ज़बान में बोलते हैं। ये देखें, ये इसका जो तैयार किया हुआ पेस्ट कह लें या कूटा हुआ, ये देखें इस तरह से। बहुत ही मुश्किल काम है और मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। सही बात है, हर काम के पीछे जिसको भी कामयाबी मिलती है तो वो मेहनत ही करता है इंसान, तो तभी जाके कामयाबी मिलती है उसे। ये रेडी हो चुका है, तो अब जो है ना मैंने इसके गोले बनाने हैं जी। तो ये मैंने निकाल के रख दी है दाल जो मैंने पीस ली थी, और ये हमारे पास वो मूंगफली जो मैंने पीसी थी। अब जो है ना मैं इसका जो मिक्सचर तैयार कर लेती हूँ। तो सबसे पहले ये मैं आपको दिखा दूँ, हरा धनिया बारीक चॉप किया हुआ है, हरा लहसुन की भूके जोड़ियाँ होंगे ने ना पत्ते, वह मैं बरीक करके रख दते ने कट के, तो सब्ज़ मिर्चियाँ इन्होंने भी बरीक करके रख दिता कट के। ये हमारे पास, सॉरी मैं पंजाबी बोलने शुरू होगी, ये दड़ा मिर्च है 1 टीस्पून, और उसके साथ ये काली मिर्च 1/2 टीस्पून, और ये प्याज है बारीक कटा हुआ, इसको मैंने हाथ की मदद से ना निचोड़ लिया था, इसका एक्स्ट्रा जो पानी है वो मैंने निकाल लिया था। अब ये सारी चीज़ें मैं इसमें शामिल कर लूँ। इसमें 1 चम्मच खाने का जो है मैं इसमें नमक शामिल कर लूँगी। और ये तकरीबन 1/2 टीस्पून हल्दी है, और उसके साथ सूखा धनिया जो है तकरीबन ये 2 खाने के चम्मच ये मैं इसमें शामिल कर लूँगी, पिसा हुआ सूखा धनिया। मेरे पास दड़ा मिर्च थी तो मैंने इसमें वो शामिल किया, और अगर आप लोग लाल मिर्च पाउडर शामिल करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो इसको जो है ना मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से इस तरीके से। ये सबसे पहले जो है मैंने हाथ धो लिए थे, अब मैं इसको ऑयल लगा लूँगी हाथों पे इस तरीके से। तो अब मैं ना ये गोले बना लूँगी इसके इस तरीके से। ये मैंने डिश के ऊपर भी जो है ना ऑयल लगा लिया था, इस तरह से बनाती जाऊंगी, सारे मैं इसी तरह से तैयार करूंगी। तो ये आग हमने जला लिया,
ऑयल रख लेंगे तो हमने जो गोले बनाए थे उनको हम फ्राई कर लेंगे। ये सारे गोले मैंने तैयार कर लिए हैं और ये ऑयल जो हमारा ये गर्म हो चुका है तो अब मैं इसमें ये शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा आपने गर्म नहीं करना ऑयल को, तो आग भी आपने हल्की इसके नीचे रखनी है। तो तकरीबन इसको 8 से 10 मिनट आपने इसको पकाना है ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से ये रेडी हो चुके हैं, तो इनको जो है ना मैं अब निकाल लूँगी। बाकी के भी जो हैं वो तो मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। ये देख रहे हैं बहुत ही अच्छे से ये कुक हो चुके हैं जी। तो अब जो है मैंने इसकी ग्रेवी तैयार कर लूँगी कोफ्तों की। तो उसके लिए ये मैंने लिया था एक बड़े साइज़ का प्याज, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। ये 2 अदर टमाटर थे दरमियाने साइज़ के और ये 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो सबसे पहले ये कढ़ाई मैंने रख ली है, तो इसमें ये मैं प्याज शामिल कर लेती हूँ और इनको ब्राउन कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं प्याज रेडी हो चुके हैं, तो आप जो है मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी और इसको भी अच्छे से भून लूँगी। ये जो मैंने ऑयल डाला था इसके लिए ग्रेवी के लिए, ये मसाला वगैरह बनाने के लिए, तो ये 1/2 कप ऑयल मैंने लिया था और इसके साथ ही हम लोग ये टमाटर शामिल कर लेंगे। ये देखिए प्याज और टमाटर जो है ना वो अच्छी तरह से उसको गल चुके हैं, तो अब जो है मैं इसमें डाल दूंगी तकरीबन 1 खाने का चम्मच जो है लाल मिर्च पाउडर और 1/2 खाने का चम्मच जो है वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी नमक, क्योंकि पहले मैंने कोफ्तों में भी डाला है तो इसमें जो है ना वो मैं इसमें ही डालूंगी। तो इसके साथ जो है ये 1/2 टीस्पून हल्दी इसमें शामिल करके साथ ये 1/2 कप दही का ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। तकरीबन दही को 2-3 मिनट पकाने के बाद जो है ना ये आप जो है ना ये वाला मसाला मैं इस ग्राइंडर में डाल दूंगी और इसको अच्छे से मैं ना पीस लूंगी। ये इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो ये मैंने हांडी रख दी है, तो ये जो मैंने मसाला ग्राइंड किया था ये भी मैं इसमें शामिल कर लूँगी और इसमें तकरीबन 2.5 से 3 गिलास इसमें मैं पानी शामिल कर दूँगी। ये आप देख सकते हैं पानी को अच्छे से उबाल आ चुका है, तो अब जो है ये कोफ्ते मैं इसमें ही शामिल कर दूँगी। तो ये मैंने ले लिया 1 चम्मच आटा, चक्की वाला आटा जो होता है वो मैंने ले लिया, तो इसका जो मैंने पेस्ट बना लूँगी तो इसके अंदर गुठली ना बनने पाए। तो ये कोफ्ते उतारने से तकरीबन 5 मिनट पहले ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी ताकि जो इसकी जो ग्रेवी है ना वो अच्छे से शोरबा जो है ना वो गाढ़ा हो जाए। तो ये हम लोग इसमें शामिल करते होते हैं, ये है पेस्ट, तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। फिर ये इस तरह से चम्मच ला देंगे अच्छे अच्छे तरीके से, तकरीबन 5 मिनट ये मैं पकने दूंगी, उसके बाद मैं ये उतार दूंगी तो ये रेडी हो जाएंगे। रेडी है ये, आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से चना दाल कोफ्ता रेडी है। उसको मैंने सलाद और चपाती के साथ पेश किया है, ये देख लें आप लोग बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।